नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण और अलग ढंग की जानकारी लेकर के। जी हाँ, सूर्य नमस्कार करने की हम विधि और लाभों को जानते हैं। ये टॉपिक हमें इसलिए बनाना पड़ा दोस्तों क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है और स्वास्थ्य से रिलेटेड है। अगर हम ये करते हैं तो स्वस्थ रह सकते हैं क्योंकि ये संपूर्ण अंगों का व्यायाम है। सूर्य नमस्कार अर्थात भगवान सूर्य नारायण की वंदना, यह एक अत्यंत प्राचीन भारतीय व्यायाम विधि है। सुबह पूर्व दिशा में खड़े होकर शांत चित्त से सूर्य की स्तुति करें। सूर्य नमस्कार किया जाता है। इस प्रकार शारीरिक व्यायाम के साथ साथ इसका धार्मिक महत्व भी है। दरअसल सूर्य संसार को ऊर्जा तथा प्रकाश देने वाले हैं, स्वास्थ्य एवं शक्ति देने वाले हैं, विभिन्न ऋतुओं का सर्जन करने वाले, धन धान्य उत्पन्न करने वाले। सूर्य को प्रातः ही नमन करने से सूर्य की किरणों और सूर्य नमस्कार दोनों के फायदे शरीर को प्राप्त होते हैं। इस आसन को करने से शारीरिक व्यायाम तो होता ही है, विचारात्मक और भावनात्मक शुद्धि भी मिलती है। साथ ही साथ सूर्योदय के समय यह व्यायाम करना होता है, इसीलिए सूर्य की किरणों द्वारा हमारे शरीर को विटामिन डी की भी प्राप्ति होती है। इससे रक्त शुद्ध होता है तथा फेफड़े और हड्डियां मजबूत होती हैं। सूर्य नमस्कार में कुल 12 अवस्थाएं या स्थितियां होती हैं। इन 12 अवस्थाओं द्वारा शरीर के लगभग सभी अंगों को उचित व्यायाम मिल जाता है। सूर्य नमस्कार से आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। दरअसल इन 12 अवस्थाओं में 10 आसन प्रारंभ की तथा 2 स्थितियां अंत की हैं। ये सभी क्रियाएं अत्यंत सरल होती हैं, इसीलिए इन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। ये 12 अवस्थाएं ही एक पूरा सूर्य नमस्कार योग है। सूर्य नमस्कार करने से पहले कुछ एक बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए पहले हम वो बता देते हैं आपको। कोई भी आसन हमेशा ही खुली और स्वच्छ जगह में ही करना चाहिए। सूर्य नमस्कार इस प्रकार कभी भी न करें कि आपके शरीर पर दबाव पड़े और आप हांफने लगें। सूर्य नमस्कार की क्रिया हर बार पैर को बारी बारी से बदलते हुए प्रत्येक पैर पर एक के बाद एक करना चाहिए। इस हमारे व्यू में सूर्य नमस्कार की इन 12 अवस्थाओं को हम आपके साथ बताएंगे। साथ ही हम कोशिश करेंगे कि आपको हम इन 12 अवस्थाओं की पिक्स भी आपको दिखाएंगे ताकि आसानी हो। कई लोगों को केवल बताने से समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम आपको पिक्स भी दिखाते जाएंगे। प्रत्येक अवस्था आसन के नाम के साथ कोशिश करेंगे कि दिखाएं। हर अवस्था से होने वाले लाभों को भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप सूर्य नारायण के विभिन्न नामों का उच्चारण कर उन्हें मानसिक प्रणाम करें। सूर्य वंदना और प्रार्थना। ध्येयः सदा सवित्रिमंडल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन सन्निविष्ठ केयूरवान मकरकुंडलवान कीर्तिहरी हिरण्मयौ पुद्रित्र षड्चक्र। इसका उच्चारण करें। सूर्य नमस्कार मंत्र होता है कुछ एक, जिसे भी जानना जरूरी है। पहला ओम मित्राय नमः, दूसरा ओम रवये नमः, तीसरा ओम सूर्याय नमः, चौथा ओम भानवे नमः, पांचवा ओम खगाय नमः, छठा ओम पुष्णे नमः, सातवां ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, आठवां ओम मरीचये नमः, नौवां ओम आदित्याय नमः, दसवां ओम सवित्रे नमः, ग्यारहवां ओम अकर्या नमः, बारहवां ओम भास्कराय नमः। सूर्य नमस्कार करने की अब विधि को जानते हैं। पहली दक्षासन करने की हम आपको विधि बताते हैं। सूर्य नमस्कार की पहली अवस्था में एकाग्रचित होकर इसके बाद सिर, गले और पूरे शरीर को
तना हुआ रखिए, घुटने मिले हुए हों, कंधे सीधे और हाथ नीचे की ओर लटकते हुए रखें, सीना तानकर सीधे खड़े हो जाएं, दृष्टि नासिकाग्र आँखों से नाक का आखिरी छोर पर केंद्रित कीजिए, यानी कि दृष्टि को नाक की आखिरी छोर पर केंद्रित करें। सूर्य नमस्कार के फायदे हम जानते हैं। इस आसन से त्वचा और कमर के रोग दूर होते हैं, पीठ मजबूत बनती है और पैरों में ताकत आती है। दृष्टि नासिकाग्र पर केंद्रित होने से मानसिक स्थिरता मिलती है। इस आसन से चेहरे पर तेज आता है। यह आसन पढ़ने लिखने वाले किशोरों के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। इस आसन में एकाग्रचित होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, स्मरण शक्ति का विकास होता है। अब दूसरा जानते हैं, नमस्कार आसन, इसकी विधि जानते हैं। दोनों हाथ इस प्रकार जोड़िए कि हाथ के अंगूठे सीने का स्पर्श करें, सीना बाहर निकालिए और पेट को जितना हो सके अंदर की ओर खींचिए, फेफड़े फुलाइए और नज़र एकदम सामने रखिए। शरीर, सिर और गर्दन सीधी रेखा में रहने चाहिए। अब अपना मुंह बंद करके कुंभक कीजिए, सांस अंदर खींचकर उसे कुछ देर रोक करके रखिए, जिसे हम कुंभक बोलते हैं। अब इस सूर्य नमस्कार के फायदे जानिए। इस आसन से गले के रोग मिटते हैं और आवाज़ भी अच्छी होती है। इस आसन से शरीर और मन स्वस्थ बनते हैं। इसके बाद तीसरा आसन हम जानते हैं, पर्वतासन, पर्वतासन भी बोलते हैं जिसे हम। इसकी विधि है, हाथों को ऊपर उठाकर पूरे शरीर को पीछे की ओर खींचिए, आँखें खुली रखिए और आसमान की ओर देखिए, पीछे की ओर जितना हो सके झुकने का प्रयास कीजिए। इसके बाद सीना फुलाइए और बाहर की ओर निकाल लीजिए। सूर्य नमस्कार की इस मुद्रा के कुछ एक फायदे होते हैं जिन्हें हम जानते हैं। इस आसन से दोनों कंधों और खाना पहुंचाने वाली नली को पोषण मिलता है तथा उनसे संबंधित सभी रोग मिट जाते हैं। इस आसन से आँखों की शक्ति भी बढ़ती है। इसके बाद चौथा आसन है, हस्तपाद आसन। इसकी विधि है, कुंभक जारी रखकर घुटने झुकाए बिना नीचे की ओर झुकिए, दोनों हथेलियां इस प्रकार से जमीन पर जमाइए जिससे उंगलियां एक दूसरे का स्पर्श करें, दोनों हाथों के अंगूठों को पैरों के अंगूठों की सीध में रखिए। इसके बाद नाक अथवा माथे से घुटनों को छूकर ध्वनि युक्त रेचक कीजिए, सांस बाहर छोड़िए। सांस नाक से ही बाहर छोड़ें, मुंह से नहीं। शुरू शुरू में यदि उंगलियां फर्श का थोड़ा सा स्पर्श करेंगी तब भी कोई हर्ज नहीं है, धीरे धीरे पूर्ण स्थिति आ जाएगी अगर आप निरंतरता रखेंगे तो। आइए अब इस मुद्रा के फायदों को जानते हैं। यह आसन पेट के रोगों को दूर करता है, सीने और हाथों को मजबूती देता है। इस आसन से पैरों की उंगलियों के रोग मिटते हैं और कमज़ोर शरीर को नई शक्ति और ऊर्जा मिलती है। पश्चिमोत्तासन के सभी सूर्य नमस्कार के फायदे इस स्थिति द्वारा मिल जाते हैं। इसके बाद एक पाद प्रसरणासन, पांचवा है ये दोस्तों, एक पाद प्रसरणासन विधि। इसकी हम विधि जानते हैं, नाक से ध्वनि युक्त पूरक कर दायां पैर इस प्रकार पीछे की ओर ले जाइए जिससे उस पैर का घुटना और उंगलियां भूमि का स्पर्श करें, बाएं पैर का घुटना बाईं ओर आगे लाइए। ध्यान रहे कि पेट अच्छी तरह दबना चाहिए। अब सिर उठाकर जितना संभव हो उतना ऊपर की ओर देखें, कमर झुकाइए और सांस को रोक करके रखिए। इस आसन के फायदों को जानते हैं। इस स्थिति में छोटी आंत पर जोर पड़ता है और वीर्यवाहिनी नसें खींचती हैं, अतः कब्ज और जिगर के रोग मिटते हैं। इस आसन से टॉन्सिल जैसे गले के रोग मिट जाते हैं। इसके बाद छठा है भूधरासन। कुंभक यानी सांस अंदर खींचकर उसे कुछ देर रोक कर रखना जारी रखते हुए दूसरा पैर पीछे ले जाइए। अब दोनों पैरों को इस प्रकार जमाइए कि अंगूठे, टखने और घुटने एक दूसरे का स्पर्श करें, सिर, कमर, शरीर का पिछला भाग तथा कुहनियाँ एक सीध में और तने हुए हों, पूरे शरीर का भार दोनों हथेलियों और दोनों पैरों की उंगलियों पर रखिए।
इसके फायदे जानिए। इस आसन से हाथ पैर और विशेष रूप से घुटनों का दर्द मिटता है। इस आसन से कमर की वसा कम होकर कमर पतली होती है। पेट के रोगों जैसे गैस, अपच, बदहजमी के लिए यह बहुत ही लाभकारी योग है। इस आसन से हाथ पैर की उंगलियां और फेफड़े मजबूत होते हैं तथा कब्ज दूर होता है। इसके बाद सातवां आसन है अष्टांग प्रणिपातासन। इसको करने की विधि जानते हैं हम। सबसे पहले सांस रोककर दोनों घुटने भूमि पर रखिए, सीने से भूमि का स्पर्श कीजिए, दाढ़ी से गले के नीचे के भाग का स्पर्श कीजिए, माथे के ऊपरी हिस्से को भी इस प्रकार भूमि से स्पर्श कराइए कि नाक भूमि का स्पर्श न करे। अब पेट अंदर की ओर खींचिए, ध्यान रखें पेट भूमि का स्पर्श न करने पाए। फिर पूर्ण रेचक कीजिए, सीने का भाग दोनों हाथों के बीच में आना चाहिए। इस आसन के कुछ एक फायदे हैं जिन्हें हम जानते हैं। यह आसन हाथों को बलिष्ठ बनाता है। यदि स्त्रियां गर्भवती होने के पहले यह आसन करें तो स्तनपान करते बच्चे बीमारियों से बचते हैं। इस आसन से शरीर हल्का और प्रसन्न बनता है। यह आसन शरीर के मध्य भाग की हड्डियां मजबूत बनाता है। इसके बाद आठवां है भुजंग आसन। इसकी विधि है पैर घुटने और हथेलियां उसी स्थिति में रखकर हाथ सीधा कीजिए। इसके बाद सांस भीतर की ओर खींचे और सीना आगे कीजिए। कमर को गोलाकार में मोड़कर ऊपर से यथासंभव पीछे की ओर देखिए तथा कुंभक कीजिए। इस आसन के फायदे जानते हैं। यह आसन कांतिहीनता दूर कर शरीर में लालिमा लाता है और आँखों की ज्योति बढ़ाता है। यह आसन स्त्रियों के मासिक धर्म की अनियमितता को दूर करता है। इस आसन से रक्त संचार ठीक से होने लगता है। इस आसन में भुजंगासन के सभी सूर्य नमस्कार के फायदे मिल जाते हैं। इसके बाद नौवां आसन है भूधरासन। इसकी विधि है सबसे पहले कुंभक जारी रखिए, इसके बाद हथेलियों और पैरों की उंगलियाँ हिलाए बिना कमर सीधी रखकर घुटनों से झुके बिना पीछे की ओर झुकिए, दाढ़ी से सीने का स्पर्श कीजिए, पेट भीतर खींचिए, नितंब को जितना हो सके ऊपर उठाइए। याद रहे कि पैरों के तलवे पूर्ण रूप से भूमि को छूने चाहिए। इसके फायदे जानते हैं। इस आसन से अर्थराइटिस, पैरालिसिस इत्यादि बीमारियां नहीं होती हैं। इस आसन से पैरों में बल उत्पन्न होता है। इसके बाद दसवां है एक पाद प्रसरणासन। इसकी विधि है मेरुदंड लंब रेखा में रखकर बायां पैर आगे लीजिए, उसे जहां से उठाया था उसी स्थान पर रखिए। अब घुटना बगल में लाइए और पैर का तलवा पूरी तरह से जमीन पर रखिए। इस स्थिति में पेट अच्छी तरह दबना चाहिए। गर्दन और सिर पीछे की ओर लीजिए और जितना हो सके पीछे देखिए। इस आसन के फायदे हैं। इस आसन से पैरों में रक्त गतिशीलता बनता है और व्यक्ति की चलने की शक्ति बढ़ती है। इस आसन से मेरुदंड में लचीलापन आता है। इसके बाद ग्यारहवां है हस्तपादासन। हस्तपादासन इसकी विधि है यह स्थिति पहले बताए हुए यानी कि हमने जो अभी बताया था आपको हस्तपादासन के समान ही है। पेट भीतर की ओर खींचिए, इसके बाद दूसरा पैर ठीक पहले वाले स्थान पर रखिए, नाक अथवा ललाट से घुटनों का स्पर्श कराइए, अंत में ध्वनि युक्त पूर्ण रेचक कीजिए। इसके फायदे जानते हैं। अब पहले बताए गए हस्तपादासन से होने वाले सभी सूर्य नमस्कार के फायदे इस आसन से आपको मिलेंगे। सूर्य नमस्कार करने से अस्थमा रोग में भी लाभ मिलता है। इसके बाद बारहवां आसन है दोस्तों नमस्कार आसन। सबसे पहले आवाज निकाल कर पूरक करें, दूसरी अवस्था के अनुसार तन करके खड़े हो जाएं, पैर और घुटने एक दूसरे से चिपके हुए हों तथा पैर तने हुए होने चाहिए। सूर्य नमस्कार के इस आसन के भी फायदे हम जान लेते हैं। पहले हमने बताया था आपको नमस्कारासन से होने वाले सभी सूर्य नमस्कार के फायदे आपको सेम वहीं मिलेंगे। मोटापा कम करने के लिए भी सूर्य नमस्कार का बहुत उपयोग किया जाता है और फायदा भी होता है। इसको नियमित रूप से करने से ओबेसिटी की समस्या से निजात मिलती है। तो देखा दोस्तों, आप सभी ने हमारे वेदों में वर्णित
सूर्य आसन एक ऐसा आसन है जो कि बेहद ही उपयोगी आसन है। इसके सहारे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, बेहद ही स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए मित्रों। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें।